नमस्कार, मैं कंचन सिंह राजपूत केकेआर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 18 दिनों में हड़ताल कर रहे प्रदेश के पटवारियों को अब हाई कोर्ट ने तत्काल काम पर लौटने के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल के खिलाफ याचिका लगाई गई थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई है। जबलपुर खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने तत्काल काम पर लौटने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने आज ही अपने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल ने आज प्रदेश कार्यालय में चर्चा करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के आदेश मिलने के बाद आज हम अपनी हड़ताल समाप्त कर काम पर लौट रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी लोगों के सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उन्होंने कहा कि आदेश में न्यायालय के लिए हमारा पक्ष सुनने के लिए राज्य सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगली सुनवाई 25 सितंबर तक लिए बढ़ाई गई है और हमें पूर्ण विश्वास है कि 25 सितंबर से पहले हमारी प्रमुख 3 मांगों पर हमें जीत मिलेगी। मालूम हो कि आज सुनवाई में हाई कोर्ट ने पटवारियों को तत्काल काम पर लौटने के आदेश के साथ ही राज्य सरकार को भी पटवारियों की मांगों पर विचार करने के लिए कहा है। हाई कोर्ट ने सरकार को पटवारियों की समस्याओं का 60 दिन के भीतर निराकरण करने को कहा है। मालूम हो कि प्रदेश भर में पटवारी गृह जिलों में तबादला दिए जाने वाले वेतन बढ़ाने व पदोन्नति को लेकर पिछले 18 दिनों में हड़ताल कर रहे थे। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। हड़ताल को हमारे 17 दिन पूरे हो गए हैं। हम लोगों ने 10 तारीख से शुरू करी थी और 17 तारीख को शुरू किया। आज 17 का 18 हो गई ना, आज तो 17 दिन पूरे हो चुके हैं। और मांगों के संबंध में हमारी 2 बार जो भी वार्ता हुई सारी आप लोगों को पता है। माननीय पीएस महोदय और मंत्री महोदय से वार्ता हुई थी और उसमें कोई हल नहीं मिला। वो हमें देने को तो तैयार है लेकिन उसकी समय सीमा बताने को तैयार नहीं है। पिछले 24 साल से हम कंटिन्यू आश्वासन पर ही रह रहे हैं और आश्वासन पिछली बार तो 2800 का लिखित आश्वासन दिया था माननीय मंत्री महोदय ने, जो आज दिनांक तक पूरा नहीं हो पाया है। प्रमुख मांग हमारी 2800 ग्रेड पे की है और 2800 ग्रेड पे की मांग हम कर रहे हैं पिछले 24 सालों से। 2007 में सनावत में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा करी थी। इसके बाद 2008 में, 2015 में, 2018 में समय समय पर हमारी संक्षेपिकाएं चली, जिसमें 2800 ग्रेड पे की हमारी राजस्व विभाग ने अनुशंसा भी की, मंत्री परिषद में भी गई, लेकिन आज दिनांक तक हमें 2800 पे ग्रेड नहीं प्राप्त हुआ। हमारे और राजस्व निरीक्षक के सभी के काम, एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि हमारी जो शैक्षणिक योग्यता है वो सीपीसीटी के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक है और जो हमारे आरआई हमसे ऊपर का पद है जिन्हें 2800 ग्रेड पे दिया जा रहा है उनकी शैक्षणिक योग्यता शासन ने पिछले 4 सालों में कम करके उनकी 10+2 और सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर दी। लगभग हमसे कम है वो, फिर भी उन्हें 2800 पे ग्रेड मिल रहा है और हमें 2100 मिल रहा है। दूसरी हमारी मांग है गृह जिले का स्थानांतरण है। अभी पिछले 2018 में करीब 10,000 लोगों की भर्ती की गई थी, उसमें 6,000 साथियों की उनके अतर जिलों में, अलग जिलों में उनकी पदस्थापना कर दी गई। पदस्थापना करने के कारण वो अपने अपने घरों से 800-900 किलोमीटर दूर हो गए, जबकि हमारा जिला स्तर का पद है और जिला स्तर में उसकी स्थापना होनी चाहिए। दूसरी मांग ये है। तीसरी मांग हमारी ये है कि सीपीसीटी, आप सबको पता है कि 2 साल से कोरोना के कारण हमारी कोई भी परीक्षाएं नहीं हो पाई, तो सीपीसीटी की परीक्षाएं बच्चे पास नहीं कर पाए, इस कारण से उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान किया जा रहा है। और सीपीसीटी है वास्तव में स्पीड की, टाइपिंग की स्पीड से संबंधित परीक्षा है और टाइपिंग की स्पीड की हमारे कार्य में कोई जरूरत नहीं होती है। हम तो नेट का काम करते हैं, नेट में स्पीड की जरूरत नहीं होती, कट पेस्ट का ज्यादा रहता है, आदेश लिया और पेस्ट किया, तो स्पीड का कोई महत्व भी नहीं है। हमारे काम भी कोई बाधित नहीं हो रहे हैं, तो सीपीसीटी की अनिवार्यता खत्म करने की मांग की है। 3 मांगों को लेकर हम आंदोलन में हैं। जी हाँ, बिल्कुल काम बंद है। हमने इस बीच में चंबल और ग्वालियर संभाग में प्राकृतिक आपदा आई थी, उसमें हमने काम किया और किसान हित में हमने वहां पर जाकर रिस्क ऑपरेशन में भाग लिया और उन सबके मकानों के और पशुओं की जो भी क्षतियां हुई थी वो जमा की, उन्हें उसका पैसा भी किसानों को मिल गया है। अब ये तो सर आप जानेंगे, हम 56 विभागों का काम कर रहे हैं, 56 विभागों के सारे काम बंद हैं। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।